हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है हुंडई सोनाटा, 2016 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसके जो पार्किंग सेंसर है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो अब गाड़ी आ रही है न्यू मॉडल में, तो उसमें क्या हो रहा है कि कंपनी ने जो फ्रंट सेंसर ख़त्म कर दिए है, सिर्फ बैक में आ रहे हैं सेंसर, यानी जो उसका पीछे का सद्दाम है, पीछे का उसका बम्फर है, बैक साइड का जो बम्फर है, सिर्फ उसी में सेंसर लग रहे हैं। जो उसका आगे का जो फ्रंट का जो वो है बम्फर, उसमें कोई सेंसर नहीं लगे आ रहे अब नए मॉडल में, ठीक है। तो इसमें सेंसर लगे हुए हैं बैक साइड में, जो उसका बैक साइड का बम्फर है उसमें उसके सेंसर लगे हुए हैं। अब देखो, मैं इसको रिवर्स डालता हूँ, गाड़ी को रिवर्स डालो, दे सकते हो अच्छे से, ये आ गया यहाँ बना हुआ, देख रहे हो आप, ये इसके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो ना, ये एरर का निशान बना गया, तो उसके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये, आप लोग सिर्फ हुंडई गाड़ी में, ओनली हुंडई के लिए बता रहा हूँ आपको, ये मैं हुंडई की कोई सी भी गाड़ी हो, आप उसके पार्किंग सेंसर बिना स्कैनर के चेक कर सकते हो, ठीक है, ओनली हुंडई गाड़ी के, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ को पता है कि चेक कैसे करते हैं बिना स्कैनर के, कुछ को नहीं पता है। जिसको नहीं पता है वो, अगर वो भाई मेरे, अगर मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। आपको चेक कैसे करना है, आपको अपनी गाड़ी बंद कर देनी है, अगर आप अकेले हो या आपके पास कोई दूसरा आदमी है, तो आपको गाड़ी को रिवर्स में डाल के जो सेंसर है, सेंसर पे आपको ऐसे धीरे धीरे उंगली टच करनी है, तो आपके जो उंगली है उस पर वाइब्रेशन आपको फील होगी, ठीक है ना। जिस सेंसर पे आपको वाइब्रेशन फील हो रही है वो सेंसर ठीक है, और जिस सेंसर पे आपको वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है वो सेंसर आपका ख़राब है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, आप ये तरीका सिर्फ हुंडई गाड़ी में यूज़ कर सकते हो, और किसी गाड़ी में नहीं। और किसी गाड़ी में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अभी मैं गाड़ी को चेक करूंगा बिना स्कैनर के, फिर आपको दिखाऊंगा लगा के स्कैनर भी कौन सा सेंसर बता रहा है, ठीक है। मैं गाड़ी बंद करता हूँ, गाड़ी की चाबी ऑन कर देता हूँ, और इसकी जो है रिवर्स, मैंने रिवर्स के डाल दिया है, आप देख लोग सकते हो। मैं जाकर गाड़ी के बाहर चेक करता हूँ, गाड़ी में रिवर्स गियर डाल दिया मैंने, सेंसर लगा हुआ है, ओके है ये सेंसर, ओके है। ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये ख़राब है रियर राइट, इसका सेंसर ख़राब है, ठीक है। अब इसका सेंसर मैंने चेक किया है, सेंसर बता रहा है रियर राइट का सेंसर से ख़राब है, ठीक है, रियर राइट। अब मैं इसमें लगाऊंगा स्कैनर, आप लोगों को दिखाऊंगा कि कोड क्या बता रहा है, ठीक है। ये मैंने स्कैनर लगाया है, हुंडई गाड़ी में आता है बॉडी कंट्रोल में, पार्किंग सेंसर आते हैं जो, ये आता है बॉडी कंट्रोल में, ठीक है। और गाड़ी में, बहुत सी गाड़ी में ऑप्शन देते हैं अलग से भी, तो हुंडई में आता है बॉडी कंट्रोल में, इसका बॉडी कंट्रोल ये रहा BCM, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, इस पर क्लिक करते हैं, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं, रीड फॉल्ट कोड पर क्लिक करते हैं, रियर राइट सेंसर फॉल्ट, ठीक है ना, वो डायरेक्ट बोल रहा है आपको रियर राइट सेंसर फॉल्ट, ठीक है। अगर ये बोलता रियर राइट इलेक्ट्रिक फॉल्ट तो फॉल्ट होता वायरिंग में, ये बात अपने ध्यान में रखना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, घूम जाता है आदमी की वायरिंग में ख़राब है कि सेंसर ख़राब है, ठीक है।
अगर यहाँ लिखा था रियर राइट सेंसर मैन्युफैक्चरिंग, तब भी उसकी या तो सेंसर ख़राब होता या उसकी वायरिंग में इशू होता। ये बोल रहा है डायरेक्ट रियर राइट सेंसर फॉल्ट, सेंसर ख़राब है, रियर राइट इलेक्ट्रिक फॉल्ट नहीं बता रहा ये, ठीक है, सेंसर ख़राब है इसका। मैंने आप लोगों को क्यों बताया कि हर गाड़ी में काम नहीं करेगा आपका, ये जो आप टेस्ट करके देखोगे वो हर गाड़ी में काम नहीं करेगा आपका। क्यों नहीं करेगा वो अब मैं आपको बताऊँगा बाद में, क्योंकि फिर क्या है मैं अगर ये बात शेयर ना करूँ आप दूसरी गाड़ी में चेक करते हो फिर आप बोलोगे यार उसने तो हमें अच्छे से नहीं बताया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ पहले ही, ये तरीका आप सिर्फ हुंडई गाड़ी में यूज़ कर सकते हो, ऐसे टच वाला, ऐसे उंगली टच करोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगी, ओनली हुंडई गाड़ी, ठीक है। अब मैं सेंसर चेंज करता हूँ, उसका सेंसर मंगाता हूँ, चेंज करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सेंसर मैंने नया लगा दिया गाड़ी के अंदर, ये देखो इसका जो कलर है वो चेंज है, क्योंकि कंपनी का जो कलर है वो थोड़ा चेंज है, इसका कलर थोड़ा चेंज है, ठीक है। सेंसर लगा दिया है और मैंने कुर्सी रख दी है यहाँ, एक चेयर रख दी है ताकि मैं सेंसर चेक कर लूँ कि काम कर रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, ठीक है। जो सेंसर पुराना है इसका ये है, ठीक है, इसके अंदर होती है कोयल, सेम सेम रजिस्टर होती है, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है सेंसर में। अब जाते हैं और गाड़ी चेक करते हैं अंदर जाके इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी करते हैं स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब डालते हैं रिवर्स, सेंसर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे सेंसर अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रहे हैं सेंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ई पकड़ते हैं गाड़ी, फिर एक बार रिवर्स डालते हैं, सेंसर सही काम कर रहे हैं, पहले सेंसर की आवाज़ भी नहीं आ रही है, आवाज़ भी कर रही है, ठीक है। अब मैं एक बार वो चेयर हटा के देखता हूँ, डालते हैं दोबारा रिवर्स गियर, अल्हम्दुलिल्लाह सेंसर सही काम कर रहे हैं, पहले यहाँ मार कर था आरओ का, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि आप और दूसरी गाड़ी का क्यों नहीं चेक कर सकते हाथ से। बहुत सी गाड़ी में क्या होता है, सेंसर के ऊपर पेंट लग रहता है, पेंट, और पेंट बहुत मोटा होता है, उस मोटा होने पेंट मोटा होने के कारण हमें क्या होता है कि वाइब्रेशन फील नहीं होती है, हमारे हाथ को जो वाइब्रेशन है वो फील नहीं होती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, जैसे देखो ये सेंसर है, जो इस सेंसर पे पेंट है ना ये बहुत मोटा लगा हुआ है, ठीक है, और आप इस पर ऐसे उंगली टच करोगे तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी, तो इस वजह से आप और दूसरी गाड़ी का इस तरह से चेक नहीं कर सकते। इंशाल्लाह को दूसरी गाड़ी आएगी, कोई टोयोटा लेक्सस में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेंसर मैंने लगा दिया गाड़ी के अंदर, ये रहा, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। आई होप आप समझ गए होंगे कि हुंडई गाड़ी का कैसे चेक करते हैं, सिर्फ हुंडई में करेगा ये काम, पहले बता रहा हूँ मैं, ओनली हुंडई, ठीक है दोस्त। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट डे मुलाकात होगी, ठीक है। या अल्लाह खुदा भी अपना ख्याल रखे और हमें दुआओं में याद रखें।